और दूसरा कपेट से कतार हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। चार, अभी मैं इसको हल्का सा ऐसे धक्का मार दूँ ऐसे तरह से, तो ये चलता है। इसको अगर मैं उल्टा डंडा मार दूँ, उल्टा घुमा दूँ, तो ये उल्टा भी चलने लग जाएगा। दोस्तों आज हमारे घर का खुद का पंखा खराब हो गया है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब तक इसको डंडे से ना मारो तब तक ये चलता नहीं है, बस ये गूं गूं करता रहता है। दोस्तों अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों ऐसा ये कर रहा है? अक्सर सभी लोगों के पंखे जब खराब होते हैं तो कुछ इस तरह की दिक्कत करने लग जाते हैं। या तो दोस्तों वो डंडा मार के चलने लग जाते हैं, या तो वो उल्टा चलने लग जाएंगे, या तो उसके अंदर से केवल गूं गूं की आवाज आती रहेगी। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को लाइव चेक करके टेस्ट करके दिखाएंगे भी, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे कि आखिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया है। ये है इसका स्विच और ये जो रेगुलेटर है ये हमारा पूरा का पूरा देख सकते हैं हमने फुल कर दिया है, और उसके बाद इसको ऑन करते हैं और देखिए ये जो पंखा है ऐसे ही है खड़ा। इसके अंदर से कोई आवाज़ वगैरह मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखो इसके अंदर आवाज़ वाज कुछ आ रही है कि नहीं। तो मेरा माइक मैंने इसका यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। सटाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, वैसे नहीं आ रही कोई आवाज़, ठीक है। लेकिन अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों देखो अभी मैं इसको हल्का सा ऐसे धक्का मार दूं ऐसे इस तरह से, तो ये चलता रहेगा। देखो इस तरह से ये चल रहा है, और अभी तो आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई दे रही होगी। ये आवाज इस पंखे की नहीं है बल्कि ऊपर वॉशिंग मशीन चल रहा है उसकी आवाज आ रही है। तो वॉशिंग मशीन हमने बंद करवा दिया है, अब वो बंद हो गया। अब देखो इसके अंदर आवाज कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये चल रहा है, डंडा मार दिया हमने तो चलने लग गया। अब इसको अगर मैं उल्टा डंडा मार दूं, उल्टा घुमा दूं, तो ये उल्टा भी चलने लग जाएगा। देखो देखो इसको उल्टा चला देंगे तो उल्टा भी चल जाएगा। दोस्तों ऐसे दो कंडीशन में होता है, या तो इसके जो कैपेसिटर का वायर है यानी कि स्टार्टिंग की जो वायर है वो फट गई हो, और या जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से खराब हो गया हो, फट गया हो, तब भी ऐसी दिक्कत आती है। और या तो अगर इसका जो लीड है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग वाली अगर वो शॉर्ट हो गई होगी, अगर वो फूक गई होगी, तो भी दोस्तों इसका कनेक्शन हटने की वजह से यानी कि स्टार्टिंग के साथ में कनेक्शन हटने की वजह से इसके अंदर ऐसी दिक्कत आती है कि हमारा जो पंखा है चाहे उल्टा चलाएंगे तो उल्टा घूमेगा, सीधा चलाएंगे सीधा घूमेगा। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम है अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाएंगे भी कि अगर इसके अंदर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या खराबी है, क्या कैपेसिटर खराब है, लीड शॉर्ट है, लीड खराब है, क्या खराब है, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों चलिए अब इस पंखे को स्टॉप करते हैं और यहां से इसको हाथ से ही रोक देंगे, वहां से बटन भी बंद कर दो इसका, और रहने दो बटन मत बंद करो, रुको 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 इधर दिखाओ। बटन बंद नहीं करेंगे दोस्तों, बटन बंद किए भी नहीं हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर जो करंट वगैरह है वो ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको हम दोस्तों यहां से इसको कैप को ऊपर कर देते हैं, और कैप को ऊपर करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले सीरीज से इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे ऊपर में लगा देते हैं कनेक्टर में, और ये नीचे में लगा देते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है पूरा फुल ग्लो कर रहा है। और इसका रेगुलेटर अगर हम चेक करें तो एक हाथ से रेगुलेटर जरा घुमाना, कम करो रेगुलेटर को, तो देख सकते हैं हमारा रेगुलेटर है वो रेगुलेटर हमारा ठीक से काम कर रहा है, बढ़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर करंट लगातार आ रहा है पंखे के अंदर, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर वास्तविक जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने जब कोई इस तरह का पंखा आता है खराब होकर के, जिसके अंदर ऐसी दिक्कत आती है कि जिधर चलाते हैं उधर ही चलने लग जाता है, चाहे उल्टा चलाएं तो उल्टा, सीधा चलाएं तो सीधा, दोस्तों ऐसे में आपको सबसे पहले इसका कैपेसिटर बदल करके देखना चाहिए। और वैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं सूजा हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए ये यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है ये सूजा हुआ नजर आ रहा है। और मैं इसको अगर निकाल के आपको दिखाऊं तो कहीं से भी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, पर यहाँ से दोस्तों ये सूजन ऐसा लग रहा है पटाखा यहाँ पे बोल रखा है। और इसका जो ढक्कन है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये खुला हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में अब आपको एक काम करना चाहिए कि आपको एक कैपेसिटर लेना चाहिए, ठीक है।
कैपेसिटर लेकर के इसको आपको इसके जहां कैपेसिटर का तार लगा हो वहां पे लगा करके देखना चाहिए कि इसका जो राउंड है वो बन रहा है कि नहीं, ऐसे लगे लगे ही। तो हम दोस्तों यहां पे कैपेसिटर लेकर के आए हैं और कैपेसिटर की हम क्या करेंगे, इन तारों को निकालेंगे, इस तरह से इनको सीधा कर लेंगे और सीधा करके जो कैपेसिटर की तार इसके अंदर लगी हुई है वहां पर हम इसको लगा के देखेंगे ऐसे चालू में ही। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पंखा है वो इस तरह से चलने के लिए रेडी होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे ही दोस्तों इसको लगा लेंगे यहाँ पे, एक ऊपर वाले में और एक, तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो पंखा है, देखिए ये डंडा इधर को भाग रहा है यानी कि इधर को चलने के लिए इसको कह रहा है। दोस्तों फाइनली हमारा जो ये पंखा है इसके अंदर बहुत कुछ दिक्कत ना हो करके, लीड वगैरह शॉर्ट ना हो करके, इसकी रनिंग स्टार्टिंग की तारें कोई शॉर्ट ना हो करके, केवल कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर की वजह से हमारा जो पंखा है ये सीधा चलाते हैं तो सीधा चलता है, धक्का मारने पे और उल्टा चलाते हैं तो उल्टा चलने लग जाता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। अब उस कैपेसिटर को निकाल करके हम इस नया कैपेसिटर को इसके अंदर लगा देंगे तो हमारा पंखा ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये फटाफट से ये काम कर लेते हैं, फिर आपको चला करके पंखे को दिखाते हैं। बंद कर दो वहां से पंखे। तो दोस्तों यहां से हम इसको रोक देंगे पंखे को और उसके बाद में कैपेसिटर की तारों को यहां से निकाल लेंगे बाहर। हाँ ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का तार हम यहां पे जोड़ लेंगे, चार तारों का ये चार नहीं कंडेंसर के अंदर है तार, तो कंडेंसर के अंदर हमारे करंट है इसलिए हमें झटका लगा, देख सकते हैं, बाकी पंखे के अंदर करंट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे लाल वाले तार को भी हम जोड़ लेंगे, यानी चार तारों कनेक्शन है सिंपल, हमें इसमें कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से हम जोड़ रहे हैं बस। हमने डिस्चार्ज नहीं किया था, हमसे गलती ये हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे लाल वाले को नीचे लगा लेंगे जो कि हमारा मेन है, और जो हमारा कैपेसिटर के जो बीच वाले में लगा लेंगे ब्लैक वाले तार को, और इतना करने के बाद दोस्तों हमारा जो पंखा है वो फाइनली ठीक हो जाता है। अब थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेते हैं इसके अंदर, जो कि यहाँ पंखड़ी के ऊपर लगी हुई है, थोड़ा कचरा है इसको हटा लेंगे, क्योंकि अपना ही पंखा है, दूसरे को होता तो कस्टमर से करवाते हैं। तो चलिए अब पंखे को ऑन करते हैं दोबारा से, बटन दबाओ वहाँ से, रेगुलेटर को फुल कर दीजिएगा, रेगुलेटर फुल कर दो। दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर ही आके दिखा देते हैं क्योंकि कैमरामैन हमारा ऐसा ही है, क्योंकि उसको नीचे करने में दिक्कत होती है कैमरे को। तो पंखा हमारा जो है कि देख सकते हैं अब चल गया है, पूरी पूरी स्पीड में चल रहा है, और जो इसके अंदर हमने अनुमान लगाया था कि इसके अंदर बहुत कुछ खराब हो सकता है, बहुत कुछ खराब ना होकर के केवल एक कैपेसिटर खराब था, जिससे कि दोस्तों हमें बदलने से ही वो ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारे ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों को बहुत मदद करती है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।